बैरिस्टर के एल गाबा, जिनका पूरा नाम कन्हैयालाल गाबा था, 1899 में पैदा हुए। 1932 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपना इस्लामी नाम खालिद लतीफ़ गाबा रखा। इस तरह उनके दस्तखत के एल गाबा ही रहे। नौ मुस्लिम के एल गाबा ने एक किताब द प्रोफेट ऑफ द डेजर्ट लिखी, जिसका उर्दू तर्जमा पैगम्बर सहरा के नाम से शाया हो चुका है। उनके कबूल इस्लाम से हिंदुस्तान में हलचल मच गई और उनको दोबारा हिंदू बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं, लेकिन वो इस्लाम पर डटे रहे। आखिरकार उन पर एक झूठा मुकदमा बनाकर जेल में डाल दिया गया। जमानत पर रहाई के लिए अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने 1.5 लाख जमानत तलब किया, लेकिन कोई मुसलमान भी इतनी रकम का इंतजाम न कर सका। उस वक्त के 1.5 लाख आज के करोड़ों बनते हैं। इस दौरान सियालकोट के एक ठेकेदार अलहाज मलक सरदार अली को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया, सरदार अली उठो और लाहौर जाकर एक नौ मुस्लिम कैदी खालिद लतीफ़ गाबा को सेशन कोर्ट में 1.5 लाख की जमानत दे आओ और कैद से रहाई दिलाओ। इसमें कोताही हरगिज ना करना। उसने मेरे मुतल्लिक एक किताब पैगम्बर सहरा लिखी है जो मुझे बहुत पसंद है। मलक सरदार अली इस ख्वाब से बहुत खुश हुआ। अगली सुबह कागजात की तस्दीक के लिए अदालत पहुँचे तो लाहौर के हिंदू डिप्टी कमिश्नर ने आपको डराया, धमकाया और कहा, गाबा भाग जाएगा और तुम्हारी रकम जब्त हो जाएगी, तुम जमानत ना दो। मलक साहब ने कहा, जिस हस्ती ने मुझे भेजा है उस पर मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, 1.5 लाख क्या चीज़ है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि खालिद लतीफ़ गाबा कौन शख्स है और ना ही मैंने उनको कभी देखा है। चुनाचा सरदार अली ने रकम जमा करवाई और गाबा को रहाई दिलवा दी। आप के एल गाबा के मुतल्लिक इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं और उनकी किताब द प्रोफेट ऑफ द डेजर्ट भी इंटरनेट पर मौजूद है। के एल गाबा के मुतल्लिक विकिपीडिया पर भी आर्टिकल मौजूद है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को भी दबा लीजिए।